सूरज पुल चौराहे के निर्माण को लेकर नगर निगम पर मनमानी के आरोप लग रहे हैं, लेकिन निगम अपनी पॉलिसी पर कायम है। इधर इसके विरोध में अब पोस्टकार्ड लिखे जा रहे हैं। प्रशासन की अनदेखी के चलते सूरज पुल चौराहा बनाया जा रहा है। इसको लेकर प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी के नाम पोस्टकार्ड अभियान का आगाज गुरुवार को भाजपा नेता प्रदीप श्रीमाली ने किया। युवा टीम की बैठक में यह अभियान चलाया गया। इस अभियान को शहर के सभी क्षेत्र और वार्ड स्तर तक ले जाया जाएगा। 1000 पोस्टकार्ड लिखने का संकल्प लेकर अभियान चलाया गया है। तरह से चौराहे का निर्माण किया गया है, विगत एक वर्षों से इसकी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया गया है। प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा बिल्कुल भी इसके ऊपर ध्यान नहीं है और ये बड़े एक्सीडेंशियल जोन के रूप में कन्वर्ट हो गए हैं और आम जनता और युवा किसी भी परिवार के साथ कभी भी कोई भी बड़ी दुर्घटना इसके साथ घट सकती है। इसके लिए एक पोस्टकार्ड अभियान का आगाज कर दिया गया है, जो कि आने वाले समय में एक बड़े रूप में प्रधानमंत्री जी के नाम पर एक पोस्टकार्ड भेजा जाएगा। शुरू में अभी 1000 पोस्टकार्ड लिखने का लक्ष्य रखा है। हो सकता है आने वाले समय में इसको और बड़ा किया जाए, परंतु ये बड़ा उग्र आंदोलन भी कह सकते हैं और एक जन समस्या के रूप में भी ये खड़ा होगा। इसका सुधार होना अत्यंत आवश्यक है, इसके लिए ये तैयारी की गई है।